Hello everyone, really hope that you all are doing great and today we will discuss the types of the plan. आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि प्लान्स के टाइप कौन कौन से होते हैं. फर्स्टली ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड. दे आर द एंड रिजल्ट ऑफ द एवरी एक्टिविटी. मीन्स हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का? इंक्रीज करनी है हमारे को. अब की बार सेल हमारी 10% इंक्रीज हो या 20% इंक्रीज हो, ऐसे हर एक कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है. दैट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एवरी एक्टिविटी. ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड विच द एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड. नेक्स्ट इज द स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो कि अचीव करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को. ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में एक स्ट्रेटेजी हम मेंटेन करते हैं. दैट इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है ये. उसके बाद हम क्या मेंटेन करते हैं? ऑब्जेक्टिव हो गया, देन स्ट्रेटेजी हो गए, उसके बाद पॉलिसीज. पॉलिसी एक जनरल स्टेटमेंट होती है जो कि गाइड करती है थिंकिंग और चैनलाइज करती है एनर्जाइज टुवर्ड ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिसीज. उसके बाद हम देखते हैं पॉलिसीज, सॉरी प्रोसीजर. प्रोसीजर क्या होता है कि जैसे स्टेप जो फॉलो करते हैं. स्टेप इस्टेब्लिश इन एडवांस टू हैंडल द फ्यूचर कंडीशन. कि फ्यूचर कंडीशन को हैंडल करने के लिए हमारे को कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है. यानी कि प्रोसीजर डिफाइन करते हैं एक एग्जैक्ट मैनर जिसके अंदर एक्टिविटी हैज टू बी अकम्प्लिश्ड कि हमारे को जो एक्टिविटीज को अचीव कर सके. दैट इज कॉल्ड द प्रोसीजर. प्रोसीजर्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं स्टेप्स. जो जोन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं ना उसको हम प्रोसीजर्स में इंक्लूड करते हैं. और पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट होती है. अब हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं मेथड्स. मेथड्स क्या होते हैं कि ये एक वे प्रोवाइड करते हैं कि एक प्रिस्क्राइब वे और मैनर जिसके अंदर एक टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. दैट इज कॉल्ड द मेथड्स. ठीक है, एक प्रिस्क्राइब्ड वे और ए मैनर इन विच ए टास्क हैज टू बी परफॉर्म कंसिडर द ऑब्जेक्टिव्स. उसके बाद रूल एंड रूल्स. रूल एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है जो कि इन्फॉर्म करती है कि आपको क्या करना है. दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द डिस्क्रेशन. ठीक है, वो कोई भी अलाउ नहीं करती आपको कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी. एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है कि आपको क्या करना है वही बताती है. ये प्लान्स के टाइप है. अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ. प्लान्स के टाइप हमारे कितने पढ़े हैं हमने? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पढ़े हैं. सिक्स में क्या है? ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी. ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि हमारे को एक एंड रिजल्ट है हर एक्टिविटी का कि इंक्रीज करना हमारे को सेल इतनी परसेंट. स्ट्रेटजी क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का. पॉलिसीज क्या होती हैं? एक जनरल स्टेटमेंट होती है जो कि गाइड करती है थिंकिंग को और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के थ्रू. और उसके बाद है प्रोसीजर. उनके अंदर स्टेप बाय स्टेप सब इंक्लूड होता है. एंड मेथड्स में क्या होता है? ये प्रिस्क्राइब वे होता है कि किस तरीके से आपको अपना काम करना है और किस तरीके से आपको अपने कंपनीज के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. रूल और रूल के अंदर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है जो कि इन्फॉर्म करती है क्या करना है और अलाउ करती है फ्लेक्सिबिलिटी. उसके बाद आया हमारे पास ये 6 तो हमने पढ़ लिया रूल एंड रूल तक. दो और हैं इसके अंदर 7 और 8 प्रोग्राम और बजट. प्रोग्राम डिटेल स्टेटमेंट है जो कि प्रोजेक्ट की जो कि आउटलाइन करती है कंपनी की ऑब्जेक्टिव क्या है पॉलिसीज क्या है और प्रोसीजर क्या है और रूल क्या है. ठीक है, बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हमारे को एक्सप्रेस करता है न्यूमेरिकली फॉर्म में. ठीक है, ये हमारे बेसिकली टाइप थे प्लान्स के कि ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी पॉलिसीज प्रोसीजर मेथड्स रूल रूल प्रोग्राम एंड द बजट. अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाती हूँ कि प्लान क्या है. प्लान क्या होता है? प्लान का मतलब होता है कि किसी भी स्पेसिफिक रिजल्ट को अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन हमने प्रिपेयर किया एंड एक कमिटमेंट से हम मिले. ठीक है, प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आउटलाइन करता है कि हमारे को ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. कई सारे प्लान बनाए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए. कई डेरिवेटिव्स प्लान बनाए जाते हैं. सारे के सारे एक सिंगल प्लान के अंदर आते हैं. जैसे कि हमारे को एक नई फैक्ट्री स्टार्ट करनी है तो आपको नए नए डिफरेंट डिफरेंट प्लान बनाने पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टास्क को अचीव करने के लिए. मींस प्लान एक डॉक्यूमेंट है जो कि आउटलाइन एक प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है. ठीक है, प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन टू मीट द ऑब्जेक्टिव. जैसे अगर हमारे को एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी है तो आपको एक प्रिपेयर करना पड़ेगा, कई प्लान बनाने पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टास्क को अचीव करने के लिए.
अब हमने देखा कि प्लानिंग है जो वो दो प्रकार दो टाइप्स की होती है, दो कैटेगरीज में आते हैं. फर्स्ट इज द स्टैंडिंग प्लान और नेक्स्ट इज द सिंगल यूज प्लान. स्टैंडिंग प्लान को हम रिपीट यूज प्लान भी बोलते हैं. स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बनाए जाते हैं, लॉन्ग टर्म यूज के लिए होते हैं. ये प्लान है मेड फॉर द एक्शन दैट आर रिकरिंग इन नेचर. इट इज अ काइंड ऑफ गाइडलाइन ऑफ द एक्शन दैट नीड टू बी फॉलो फ्रॉम द टाइम टू टाइम. ठीक है, ये एक ऐसे ऐसे प्लान है जो कि जैसे भी कोई भी नई टाइमलाइन यूज होती है तो उसके अंदर टाइम टू टाइम ये प्लान फॉलो होते हैं. ये प्लान के अंदर इंक्लूड होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, मेथड्स क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, रूल क्या है, ये सब इंक्लूड होता है. प्लान आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन एंड कैन बी अल्टर्ड विद द ऑर्गेनाइजेशनल नीड. मेन बात ध्यान रखने की स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बनाए जाते हैं और ये रिपीट होते रहते हैं प्लान. ठीक है, नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल क्या है स्टैंडिंग प्लान के. जैसे हमने बिजनेस का प्लान बनाया, लॉन्ग टर्म गोल है, ये इन्फॉर्म करते हैं कि हमने ये डिसीजन ले लिया और मेन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए के ऊपर बेस्ड होते हैं और डेवलप वंस कैन बी मॉडिफाइड लेटर. ठीक है, नेक्स्ट इज द सिंगल यूज प्लान. सिंगल यूज प्लान कौन से होते हैं, ये ऐसे प्लान्स होते हैं जो कि एक ही बार सिंगल ही टाइम यूज होते हैं और दोबारा यूज नहीं होते. ये प्लान इसलिए बनाए जाते हैं कि हम एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकें और स्पेसिफिकली डिजाइन होते हैं एक स्पेसिफिकली सिचुएशन के लिए, स्पेशल सिचुएशन के लिए डिजाइन होते हैं और एक शॉर्ट टर्म चैलेंज को ये मीट करते हैं. इस प्लान के अंदर इंक्लूड होता है बजट और प्रोग्राम, जैसे कि आउटलाइन फॉर द एडवर्टीजमेंट एंड द कंपेनियन कैंपेन. ठीक है, ये एक सिंगल यूज प्लान होते हैं. नेक्स्ट इसके फीचर क्या है, ये शॉर्ट टर्म होते हैं एंड नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, बेस्ड होते हैं स्टैंडिंग प्लान के ऊपर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अब स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज जो प्लान है इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव कि इंक्रीज करना सेल रिवेन्यू बाय द 10%. जैसे ये लॉन्ग टर्म होता है ना इनका प्लान, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टैंडिंग प्लान का, कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना, कि सेल्स हमारे को इतना परसेंट इंक्रीज करना. ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, क्लियर और स्पेसिफिक होते हैं. एंड स्ट्रेटजी क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था ना स्ट्रेटजी पीछे, वही थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया कि स्ट्रेटजी का यूज हुआ है एक मिलिट्री एक्शन प्लान के अंदर. आज के टाइम में जो स्ट्रेटजी यूज हो रही है बिजनेस प्लान में, ये एक इम्पेरेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो कि अचीव करता है ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव्स को, जैसे कि टेक्निक सारी सेल प्रमोशन की. ये क्या है, एक स्ट्रेटजी है. अगर हमने लॉन्ग टर्म गोल्स को डिसाइड कर लिया, एक ऑब्जेक्टिव है एंटरप्राइजेस का और अडॉप्शन कर लिया कोर्सेज ऑफ एक्शन और एलोकेशन कर दिया रिसोर्सेज का, तो हम हमारी स्ट्रेटजी है जो कंपनी की उसको अचीव कर लेंगे. दैट इज द टेक्निक ऑफ द सेल प्रमोशन, सेल को प्रमोट कर लेंगे. नेक्स्ट फीचर क्या है स्ट्रेटजी की, हम ये इसलिए डिजाइन होती है एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए. इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना और डायरेक्ट करना फ्यूचर गोल्स को. पॉलिसीज के अंदर क्या आएगा, पॉलिसी डिजाइन होती है सारे के सारे लेवल के ऊपर मैनेजमेंट के. ठीक है, और पॉलिसी वर्बल रिटन और इम्प्लाइड और ओवरऑल गाइड होती है एंड नो क्रेडिट सेल फॉर द प्रोटेक्टर्स. तो हमने पीछे टाइप्स पढ़े हैं उनका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन है कि प्रोसीजर क्या है, कि द प्रोसीजर टू बी फॉलो फॉर द स्कूल एडमिशन. बताया था ना कि स्टेप बाय स्टेप आपको सारी एक्टिविटीज फॉलो करनी पड़ेंगी प्रोसीजर के अंदर. इट इज अ सीक्वेंस ऑफ द स्टेप दैट नीड टू बी फॉलो एंड दे स्पेसिफाई द सीरीज ऑफ द एक्टिविटी दैट नीड टू बी परफॉर्म. प्रोसीजर के अंदर सारे के सारे मेथड्स होते हैं और एक वे होता है, स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि अगर आपको स्कूल में एडमिशन लेना होगा तो सारे के सारे वन बाय वन करके सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड द प्रोसीजर. उसके बाद हमने रूल की बात करी. रूल क्या होता है, रूल एक स्पेशल एक्शन है नीड टू फॉलो बाय द स्ट्रिक्टली बाय द मैनेजमेंट, जो कि हमारे को फॉलो करना ही पड़ेगा मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग. जैसे नो स्मोकिंग इन द प्रीमिसेस, प्रीमिसेस के अंदर आपको स्मोकिंग नहीं करनी, ये रूल है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लान. एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ. मेन इसके अंदर क्या क्या था, मेन था इसके अंदर प्लान सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग यूज प्लान. सिंगल यूज प्लान एक ही बार यूज होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल के लिए होते हैं और स्टैंडिंग यूज प्लान रिपीटली यूज होते रहते हैं. ठीक है, और इनके टाइप्स हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स और उसके बाद स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी पॉलिसीज प्रोसीजर एंड मेथड्स रूल्स
प्रोग्राम एंड बजट, ये सारे के सारे टाइप्स हैं प्लान के। इनको थोड़ा थोड़ा आगे वाले जो स्लाइड्स थे उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था, और कुछ भी नहीं था। तो ये बेसिकली यही 8 टाइप के प्लान्स होते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द प्लान, एंड प्लीज रेट, रिव्यू एंड शेयर माई लेसन, एंड ऑल्सो फॉलो माई प्रोफाइल। थैंक यू।